हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई स्केल मॉडल मंगाना है दूसरे किसी कंट्री से कोई साइट के थ्रू, तो कैसे आप मंगा सकते हो। और रिसेंटली अभी मेरे पास भी एक पार्सल आया है जर्मनी से, तो कैसे क्या पूरा प्रोसेस रहता है उस सब के बारे में बात करते हैं हम इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने दो मॉडल्स ऑर्डर करे थे सीके मॉडल का, से एक बेंटली कॉन्टिनेंटल GT 2018 वर्जन जो आप यहाँ पर देख रहे हो, एंड सेकेंड पोर्शे कैन कूप GT सील्ड मॉडल है ये। सो ये है टोटल इन दोनों कार्स का, उसके बाद शिपिंग लगी थी 35 यूरोस की DHL से। सो ये है वेबसाइट सीके मॉडल कार्स, और यहाँ पर सबसे पहले चीज आप देखोगे जो प्राइजेस हैं वो यूरोज में आ रहे हैं क्योंकि ये जर्मनी की वेबसाइट है। सो इसको कैसे कन्वर्ट करना है या फिर कैसे प्राइजेस देखो INR में, तो ये जो मेन पेमेंट के टाइम पे कन्वर्ट करेगा वो करेगा क्रेडिट कार्ड, और उसके कन्वर्जन चार्जेस भी वो लेगा। एंड सीके मॉडल कार्स पे इंडिया के लिए फ्लैट डिलीवरी चार्जेस 35 यूरोज रहते हैं DHL से। चाहे आप कितने भी उसमें स्केल मॉडल्स मंगाओ, एक लिमिट वेट है, बट 5-10 मॉडल्स भी आप मंगाओगे तो भी सेम रहेगा। आप एक मॉडल मंगाओगे तो भी शिपिंग चार्ज सेम रहेगा, तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी मंगाते हो तो ही ज्यादा फायदा है इसमें। सो अब हम बात कर लेते हैं कितना दिन लगते हैं एक पार्सल को इंडिया आने में। तो 20-30 डेज लग जाते हैं यहाँ पर आने में कस्टम्स तक, और कस्टम्स से कितने दिन में रिलीज होगा वो कस्टम डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। कई बार वो 5-6 डेज विद इन अ वीक भी रिलीज कर देते हैं, और कभी कभार वो काफी दिन तक भी होल्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लास्ट पार्सल में उनको इनवॉइस नहीं मिल रहा था, पार्सल में था बट मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने थे। एक था इनवॉइस, और इसके अलावा सेकेंड था जिस कार्ड से मैंने पेमेंट करी है उसकी स्टेटमेंट, और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स मैंने मेल से सेंड कर दिए थे बट मेरे पास कोई रिस्पांस आया नहीं था 7 डेज तक, तो इसलिए मैं चला भी गया था क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और कस्टम ऑफिस भी यहीं पर ही है। तो ये तो था कस्टम्स का प्रोसेस, जो कि कई बार ट्रिकी हो सकता है, बट जो भी वैल्यू पर अपना सामान लिया है वही ओरिजिनल वैल्यू डालो तो अच्छा रहता है। सो ये दोनों मॉडल्स हैं, और बेंटली की मैं ऑलरेडी वीडियो अपने मेन चैनल पर डाल चुका हूँ, कायन की वीडियो जल्दी आ जाएगी, जब तक ये वाली वीडियो डलेगी उसके आसपास आ जाएगी। इसके अलावा ये दोनों ही मॉडल्स मेरे को ऑलमोस्ट उतने ही प्राइस के मिले जितने इंडिया में मिलने वाले थे। ये 15-16 की मैंने देखी थी स्केल आर्टसन पे, और ये भी मेरे को 5-6 के अराउंड की पड़ती, तो 20-21 के आसपास की पड़ती, बट मेरे को वैरायटी मिल गई बाहर से इंपोर्ट करने में, तो वो एक एडवांटेज है। तो ये है होल प्रोसेस कैसे आप स्केल मॉडल कार्स ऑर्डर कर सकते हो इंडिया में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो आप इस वीडियो को, और आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @miniature_automobiles। आपको ID और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।